बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग कितनी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे दाग होते हैं जो कि हमारे कपड़ों पे से नहीं उतरते हैं, जिनको हम जितना मर्ज़ी धो लें वो नहीं जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। यह है चाय का दाग। चाय हम जब पीते हैं तो वो अक्सर हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, या बेड पे अगर हम चाय पी रहे हैं उस पर गिर जाती है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ही चाय गिरती है उसके ऊपर आप ये पाउडर डाल दीजिए, या नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ौरन दाग को अपने अंदर जब्स कर लेगा और ये निशान इसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह से आपने इस पर पाउडर लगा लेना है। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फ़ौरन इसने पाउडर ने उसको जब्स कर लिया दाग को। तो इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है और 5 से 6 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रखा रहने दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको बिल्कुल भी इस पर स्टेन नहीं नज़र आएगा, ये बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और ये बिल्कुल भी इस पर स्टेन नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हैंड बैग्स पर या फिर बच्चों के स्कूल बैग्स पर मोस्टली बॉल पेन के निशान लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। अगर आप उसको वॉशिंग मशीन में सर्फ से भी साफ़ करते हैं तो वो निशानात नहीं जाते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, घर घर में परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम आपने इस स्टेन के ऊपर लगा कर उसको किसी कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करना है। 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे से रगड़ते रहें तो इससे जो है ये स्टेन रिमूव हो जाएगा। ये देखें, मैंने थोड़ी सी देर इसको लगाया है और इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ किया है, तो ये स्टेन 2 to 3 मिनट्स तक रिमूव हो गया है और ये बॉल पेन के निशान सर्फ से नहीं जाते। ये देखें, एकदम से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इसके ऊपर स्टेन भी था, बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है इस पर स्टेन। तो ये भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बॉल पेन के निशान को दूर करने के लिए। बच्चों के कपड़ों पर भी अक्सर औकात ये बॉल पेन के निशान लग जाते हैं, इंक पेन हो गए, बॉल पेन हो गया। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपने घर की इस्तेमाल की चीज़ है डिटॉल, वो आपने लेना है और इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से फैला देना है सारा। उसके बाद आपने कोई कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से साफ करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको साफ करेंगे तो ये रिमूव होता रहेगा। ये वो निशानात हैं जो अक्सर औकात हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं और ये सिर्फ सर्फ से धोने से बिल्कुल भी साफ नहीं होते। तो ये बहुत आसान तरीका है इन दागों को रिमूव करने का। ये भी आपका 3 से 4 मिनट लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से रिमूव करना है, लगड़ना है और ये आस्ते आस्ते साफ़ हो जाएगा। ये देखें, एकदम से क्लीन हो गया। इसको मैंने सर्फ के पानी से साफ़ किया बाकी, तो ये निशान भी उतर गया सारा नरम होकर। ये अब आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का ये कपड़ा है और इस पर बिल्कुल भी स्टेन नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये इंक पेन का निशान है। सेकंड, हम इस पे ऑयल लगा देते हैं। ऑयल हो गया, खाने का ऑयल हो गया या हेयर ऑयल हो गया, हमारे कपड़ों पर अक्सर औकात लग जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यही पाउडर हो गया, आपने पाउडर इसके ऊपर डाल देना है। पाउडर जो है वो कोई भी स्टेन अपने अंदर जज्ब कर लेता है फ़ौरन से। तो कोई भी ऐसा निशान जो कि लिक्विड हो, आप उसके ऊपर फ़ौरन से पाउडर डालेंगे, या फिर आप नमक भी यूज़ कर सकते हैं, नमक भी आप डालेंगे, नमक भी निशान को, दाग को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और नमक से भी निशान गायब हो जाता है। तो ये 2 ट्रिक्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी मदद से दाग दूर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब इसको कपड़े को वॉश कर लिया और ये नीट एंड क्लीन हो गया है। इस तरह के निशानात ग्रीस के हो गए अक्सर मर्दों के कपड़ों पर लग जाते हैं मोटर बाइक से। तो इस निशान को दूर करने के लिए आपने सिरका लेना है 1 चम्मच और आपने उस स्टेन के ऊपर सिरके को डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसको छोड़ दें और उसके बाद आपने इसको किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है, उसके बाद वॉश कर लिया। कोई भी डिटर्जेंट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं या साबुन की मदद से आप उस एरिया को साफ़ कर लीजिए, तो ये दाग आसानी से रिमूव हो जाएगा।
तो ये थी छोटी छोटी सी टिप जो घर में चीज़ें दस्तियाब हैं उसकी मदद से हम किस तरह से ज़िद्दी दाग रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।